नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आंध्र प्रदेश व तेलंगाना सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से मुस्लिम और ईसाई समाज का तुष्टिकरण कर उनका वोट बैंक बनाने हेतु कई प्रकार की भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कर रही है। इनमें से कई नीतियां तो संविधान विरोधी भी हैं और कई न्यायपालिकाओं द्वारा अस्वीकृत भी की जा चुकी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण बार बार संविधान विरोधी सिद्ध होने के बावजूद यह अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर रही है। चर्च मस्जिद निर्माण हेतु सरकारी कोष लुटाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार का यह जहां एक भी ईसाई परिवार रहता है वहां चर्च बनाया जाए, यह सामाजिक असंतोष निर्माण करेगा, इस तरह की मांग की गई है। और इसी को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? मैं गौरव रघुवंशी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़। आज के संदर्भ में आप लोगों ने जिलाधिकारी को हम लोगों ने आज जिलाधिकारी जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। आप सबको जानकारी होगा कि इस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा मुस्लिम और ईसाई तुष्टिकरण जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहां पर मंदिरों में गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है सरकार द्वारा। इससे हमारे मंदिरों की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। उसके बाद मुस्लिम और ईसाई पादरियों को और मौलवियों को सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये वेतन दिया जा रहा है। यह गैर संवैधानिक है। संविधान कहता है कि किसी भी धर्म विशेष के लिए सरकारी कोष से कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद भी वहां पर ईसाइयों को फ्री में नौकरियां बांटी जा रही हैं। उनके IAS अधिकारी तक कह रहे हैं कि हम ईसाई हैं और ईसाइयों को ही नौकरियाँ देंगे। तो यह गैर संवैधानिक है और ये तुष्टिकरण जो हो रहा है इसको रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। आज 370 पर और CAA पर समस्त विपक्षी दल कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लेकिन क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? आज हमारे मंदिरों में गैर हिंदू अधिकारियों को आप नियुक्त कर रहे हो, सरकारी खजाने से आप मौलवियों और पादरियों को पैसे दे रहे हो, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि यह संविधान की हत्या की जा रही है और सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और राष्ट्रपति जी जो कि इस देश के मुखिया हैं और संविधान के संरक्षक हैं, इस नाते हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।